जय श्री राम, हर हर महादेव। फाइनल गाइस, हम लोग ना ब्रह्मपुर में कल रात 6:30 बजे पहुंचे और हमारी बावन पीठ से एक माँ मोहिर काड़ो एक टेंपल है, तो पहली बार मैंने आया हूँ तो सोचा वो दर्शन करके जाऊंगा। रात को भी दर्शन हुआ नीचे से, अभी एक ऊपर से झंडा दिख रहा है ना, वहीं तक जाना है शायद, मुझे पता नहीं है, लेकिन जाएंगे। और रात को तो यहीं पे रुके थे हम लोगों ने, यहीं पे एक ही कैंप लगा के, और यहीं पे पंडित को पूछा और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ना हमको एक जगह मिला कि रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और भाई भी गए थे फ्रेश होने के लिए। चलो उसके बाद रात में पिकअप करेंगे, उसके बाद मिलेंगे आपके साथ। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, अगर हो सके तो वहीं से जल्दी जाने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे गाँव यहीं से 40 किलोमीटर दूर है। चलो गाँव के रास्ते में अभी रात भी करना है, दर्शन करेंगे आपके साथ जरूर। दो छोटे छोटे डॉग थे, तो रात भर उनको भी ठंडी लग रही थी, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तो भाई पिकअप के बाद मिलते हैं आपके साथ। फाइनली गाइस, तो हम लोगों ना साइकिल पार करके अभी जा रहे हैं ऊपर पहाड़ के ऊपर दर्शन करने के लिए। अभी चलो भाई के साथ चलते हैं, और काफी जंगल है भाई यहीं पे। चाय पीने के बाद हम लोग अभी ट्रैक करेंगे, और यहीं पे देखते हैं माँ मोहिर काड़ो होटल है कि है। भाई को यहीं पे थोड़ा चाय पिला के मंदिर जा रहे हैं। कुछ खाओगे उपमा भाई? उपमा सूजी कुछ खाओगे? हाँ नहीं, बस मुझे भी पता नहीं रास्ता कौन सा है, कौन सा रास्ता जा रहा है, देखते हैं। यहीं पे तो 2-3 रास्ता शायद है, दाएं मुड़े पता है यार, दाएं मुड़े बाएं मुड़े। हाँ ये गेट है, और काफी बोलते हैं माँ का जो 52 फीट से ये एक है, लेकिन काफी गंदा करके रखे है, ये पे देख सकते हो। लोगों ने आते हैं टूरिस्ट क्या बताएं, खुद एंजॉय करने आ रहे हैं, बहुत सारे गंदा करके रख रहे हैं। धार्मिक स्थल है ना फास्ट, भाई कैसा लग रहा है? लेकिन गंदा बहुत है ना, ये निशाना बना हुआ है भाई यहीं से जा। यहीं पर भी एक गुफा है, बैठने उठने लायक है, बारिश में शायद बच सकते हैं। बारिश तो नहीं हो रही, काफी गर्मी हो रही है। अच्छा मजा आ रहा है, ध्यान से भाई, ध्यान से, ध्यान से। उत्तराखंड सोच के कहीं कूद जाओगे तो, ओ भाई क्या नजारा है, देखो काफी छोटे छोटे सीढ़ियां है, और चारों तरफ कोहरा ही है, कोहरा। हाँ थोड़ी थकान लग रही है भाई, एक गुफा पत्थर है। फाइनली हम लोग आ चुके हैं
और कुछ 100 सीढ़ियों के बाद हम लोग पहुंचेंगे माँ के दर्शन के लिए। चलो भाई चलते हैं धीरे धीरे उनको भी, क्योंकि उनको आदत हो गई है। ओ भाई काफ़ी जंगलों में बिताते हैं ना, इसकी वजह से उसको पता नहीं होते, लेकिन मुझे थकान होती है भाई बहुत। पहले हम लोग तो पहुंच चुके हैं पीछे ही माँ का जो गेट है, और काफ़ी थकान भी हो रहा था, मैंने यहीं पे बैठ गया, भाई भी यहीं पे बैठे हैं। भाई कैसा लग रहा है आके? भाई थकान लगी, अभी मंदिर के दर्शन करने बाद है। दर्शन करके फिर जा रहे हैं जल्दी, क्योंकि मेरी गांव जल्दी जाना पड़ेगा, फिर हमको कल निकलना पड़ेगी मल्लिकार्जुन के लिए आंध्र प्रदेश। देखते हैं थोड़ी थकान के बाद दर्शन करके जाएंगे, आपको भी दिखाऊंगा माँ। चलते हैं दर्शन के लिए, रुको मैं जा रहा हूँ, माँ साथ देना, क्योंकि पहली बार थोड़ी घबराहट होती है, ये गुफा पार करके जाना पड़ती है भाई। मंदिर का रास्ता है, यहाँ पर मैं बहुत सर्च कर रहा था नेट पे कि किस चीज़ की पूजा होती है, माँ का शक्ति पीठ है, लेकिन कौन सी पार्ट की पूजा होती है वो नेट पे नहीं मिल पाया। तो चलो चलते हैं। अभी तो शायद पुजारी पूजा करके घर पे चल चुके हैं, लेकिन यहीं से हम लोग को दर्शन करने का बहुत मौका मिल गया। मैं आज तो यहीं पे ही दर्शन करके जा रहा हूँ माँ। चलो भाई दर्शन भी हो चुका है, देखो आप भी। भाई दर्शन भी हो गया, अभी जा रहे हैं हम लोग। भाई ध्यान से, फिर जैसे आ रहे थे ऐसे ही जाना पड़ेगा मुझे। शायद मोटे लोग वगैरह शायद मेरे अंदर से नहीं जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा दर्शन करके, अभी चलते हैं पे थोड़ा सा घूमेंगे, उसके बाद जा रहे हैं। भाई ऊपर भी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ ऊपर, थोड़ी आपको व्यू दिखा देता हूँ आपको, पेड़ वगैरह है ना इसके लिए नहीं देख रहा, थोड़ी ऊपर जाके आपको दिखाऊंगा। यहीं पे आपका ना मानसिक कुछ भी हो ना, यहीं पे बांध के जा रहे हैं सब चीज़ माँ, क्योंकि साइकिल के वजह से ना मुझे बहुत थकान हो रही है, अभी आगे मुझे साइकिल भी चलाना है। ओ अच्छा, यहीं पे तो नहीं जाना था, चाहिए था मुझे, क्योंकि माँ नीचे ही है शायद, पर तो आ चुके हैं हम लोगों ने। एक व्यू पॉइंट देखो कैसा है, और भी ऊपर जा सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि आगे हमको और भी बहुत नज़दीक रामेश्वरम द्वारका, क्या बोलते हैं मल्लिकार्जुन, वो सब चीज़ों करना है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। यहीं पे व्यू पॉइंट अच्छा रहा है, फोटो का कैसा लग रहा है भाई हमारे के? बढ़िया लग रहा भाई, बढ़िया लग रहा है। वो चीज़ मैंने सोचा था दर्शन करूँगा, वहीं पे आके मैंने भाई के साथ दर्शन किया हूँ मैंने, और भाई केदारनाथ से आ रहे हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मैं लेके आया था इस पे। भाई को देखो हमारे वहीं का कि कैसा है नज़ारा, भाई को तो पहले से ही क्या बोलते हैं इम्प्रेस है, क्योंकि उनके जंगल वगैरह में शिकार करने के लिए भी जा रहे थे रात 2 PM को ऐसे ही, क्योंकि काफ़ी जंगल है ना उस साइड में, काफ़ी जंगल है ना, तो मेरे भी खुद देखा काफ़ी जंगल है बहुत ज़्यादा, तो उनकी आदत लग चुकी है, मुझे तो आदत नहीं है, पहली बार बहुत दिनों के बाद आया हूँ मैंने माँ को दर्शन करने के लिए, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहीं का व्यू पॉइंट भी देखो, तालाब भी यहीं पर एक, यहीं पर भी एक, और यहीं पर कुछ पार्क वगैरह बन रहा है, शायद अभी पूरा नहीं हुआ है, जब अगले साल आएंगे तब तो शायद मैं सोच रहा हूँ कुछ पूरा हो जाएगी, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहीं पर। चलते भाई, चलो भाई हम भी जा रहे हैं। हाँ पत्थर तो बहुत है भाई,
माँ। चलो हम भी अभी शू वगैरह पहन के बैग लेके चलते हैं। पता नहीं कभी दोबारा मौका मिले या ना मिले, लेकिन इस बार मौका मिला मुझे दर्शन के लिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलो अभी नीचे मिलते हैं, बीच बीच में कहीं पर भी मिलेंगे। फाइनली हम तो नीचे उतर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लगा। जाने टाइम पे जितना दिक्कत हो रहा था, आने टाइम पे उतना दिक्कत नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी पैर है ना थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, जाके पट्टी बांधना पड़ेगा मुझे। क्यों, मैं सोचा था पहले ऊपर जाऊंगा तो पट्टी बांध के ही जाऊंगा यार। हम लोग तो आ चुके हैं मंदिर से और कोशिश करते हैं जल्दी जाने के लिए, क्योंकि भूख भी लग रहा है ज़ोर से। यहीं से हाईवे पकड़ेंगे तभी हमको कुछ खाने को मिल सकता है। मैं ही सोच रहा हूँ, ढाबा वगैरह यहीं पे तो कुछ नहीं है, चारों तरफ गंदा करके रखे हैं यहीं पे। ऐसे धार्मिक स्थल को ना अच्छे से रखो भाई, हम कौन है बोलने वाला है ना, यहीं पे तो सब पैसों की मतलब है। चलो हमारी साइकिल लेके अभी चलते हैं, ये रास्ता जा रहा है जंगल भाई। भाई चलते, देख सकते हो कल ना हमने कल रात को आए थे यहीं पे जंगल से, रात मतलब अंधेरा चारों तरफ अंधेरा ही था, बस मोबाइल लाइट से ही आ रहे थे हम लोग और भाई भी आ रहे हैं। हम लोग जा रहे थे लेकिन रास्ते पे ना काफ़ी पिकाऊ देखने को मिला हमको, और देख सकते हो कितना है पता है, 3-5 है। भी था यार यार, तो भाई क्या बोले, उस साइड बैठ गया जाके। मैंने काफ़ी दिनों पर पढ़ाई किया, चलो स्कूल के सर से भी थोड़ा मिल जाते हैं, आए तो इतना दूर। काफ़ी दिनों के बाद मेरी स्कूल में आज मेरे पास है साइकिल से, भाई के साथ मैंने आया हूँ, नाव नहाते हैं यहीं पे सारे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलो सर से थोड़ा मिल जाएंगे। फाइनली भाई मेरी जहाँ जन्म हुआ था, जन्म स्थान बोल रहे थे, मैं वही गांव पे पहुंच चुका हूँ। ये हमारी मंदिर है और काफ़ी भीड़ भी है, शायद मुझे स्वागत के लिए शायद ऐसा कुछ। दुई तरह केदारनाथ जाइली आ से नहीं, हमारा ऋषिकेश हरिद्वार से मथुरा वृंदावन अयोध्या बनारस गया बोधगया हमारा विश्व काशीनाथ से पड़े गिरी वेस्ट बेंगल रे दक्षिणेश्वरी काली टेम्पल है ना वही दक्षिणेश्वरी काली टेम्पल तापर आम कोणार्क पुरी कालीजाई एपटे इंदिरा आम गाँव को भी आसी रूप से आप यात्रा करने आर्थिक व्यवस्था दरकार अच्छी पैसा पत्र आवश्यक अच्छी सैकल जावा कष्टसाध्य जिनस को कैसे सुंदर भाव में आप एपाई मुझे मानते मुझे काम करी फ्लिपकार्ट तो मुझे एक सब करवा पूर्व प्लानिंग करी तो किसी पैसा बचे रखीदी ये सब करने तो पैसा तो सरीगला तो लोक मझे मझे किसी हेल्प कर खाया पिया रहा सब इमरजेन्सी रहीटा रात तो सहीटा आमको हर जगह मानते प्रत्येक जगह मिल जाऊँच तो भल लगुच कहीं किसी किसी प्रोब्लेम है नहीं निहत रूप से आपत विभिन्न जगह जाती किसी जगह रहीबार व्यवस्था लोक मैं करते हैं से खुशी अनुभव करते आपड़ जो सहयोग जोगे था आपयोग के निजी गर्व अनुभव कर गर्व तो मुर्व बहुत अनुभव कराई गोटे ओडिया ओडिया मो सूरत समस्ते जाऊँगी कम करने तो यहाँ मो दिमाग ना कहीं घरे किसी फालतू कम भी कै मु भावी थोड़े सैकेल ट्रावेल कर देखे केदारनाथ पाई कहीं ओडिया पिला एमती के जाणी कि शुणी कि ओडिया पिला एमती कर तो मुझ फर्स्ट टाइम एवं कर देखली तो मुझे जाइली सूरत केदारनाथ सैकेल और मोर आज 129 दिन है तो 6,000-6,500 किलोमीटर मुझे चली सारे तो ये आम जाऊँ आम आंध्र प्रदेश मल्लिकार्जुन से रामेश्वरम जीव
ଆପଣ ଶକ୍ତିପୀଠ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଧାମକୁ ଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ କଳା ସଂସ୍କୃତି କଲଚର ଉପରେ ଆପଣ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ମନରେ ଆଗରୁ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗଲା ବାହାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା ଆସିଲା କି ନାଇଁ? ଗଲା ଯିବା ମାନେ ମୁଁ ଯେବେ କେଦାରନାଥ ଗଲି ବାବାଙ୍କ ଧାମକୁ, ତ ସେଇଠୁ ମୋର ଟିକେ ନାଇଁ ଖାଲି କେଦାରନାଥରେ ମୋର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା, ତ ଏସବୁ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା। ଚାଲ ମୁଁ ନିଚେ ତଳକୁ ଆସିଲି ମାନେ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ, ତ ସେଇଠୁ ମୋର ଆଗକୁ ଚାରି ଧାମ କରିବା ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ବଦ୍ରୀନାଥ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ଆମର ପୁରୀ ଧାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ଏବେ ରାମେଶ୍ୱରମ। ରାମେଶ୍ୱରମ ଯିବା ପରେ ମୋର ମଝିରେ ଆଉର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ବି ହେଲା କି ବାର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ବି କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା ବି ଆମର ମୋର ଦୁଇଟା ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ଯାଉଛୁ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଆପଣ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାଇଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ଭାଇଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ ଭେଟିଲେ, କିଭଳି? ଭାଇକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କେଦାରନାଥର, ବହୁତ ବରଫ ପାଣି ମାନେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ତ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନଥିଲା। ଭାଇ ସେଇଠି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ଟେଣ୍ଟ ସେଇଠି ହୋଟେଲ ଅଛି ସବୁ କିଛି, ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ବି ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ଲଗ ସବୁ ଚାଲିଛି, ତ ସେଇଟା ଆମର ଦେଖା ହେଲା, ଆମର ସେଠି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଲା। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତି, କିଭଳି ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତି? ରେଷ୍ଟ ଆମର ମୋ ପାଖରେ ଟେଣ୍ଟ ବି ଅଛି, ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, ସ୍ଲିପିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି, ମେଟ୍ ଅଛି, ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ଗ୍ୟାସ ମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଗ୍ୟାସ ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ଅଛି, ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ମ୍ୟାଗି କିଛି ବନେଇ ଖାଇପାରୁଛୁ। କେଉଁଠି ବି ଭୋକରେ ନାହାନ୍ତି? ନା ଭୋକରେ ରହୁଛୁ, ମାନେ କେବେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଜଙ୍ଗଲ ବଗେରା ମାନେ କେଉଁଠି କିଛି ନ ମିଳିଲା, ରାତିରେ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରୁ ସାଇକେଲରେ, ଦୋକାନ ବଗେରା ବନ୍ଦ ହେଲେ ବିସ୍କେଟ ପାଣି ଏମିତି ଚା ସମସ୍ତ ଖାଇପାରୁଛୁ। ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାଇ ତ ମୋ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଯାଉଛୁ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ କେଲିଏ, ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ବି ଯାଉଛୁ ମିଶେଇକି, ତ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଆମ ଗାଁକୁ ବି ଦେଖେଇଦେବୁ, ଆମର ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ହେଇଯିବ, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ବି ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭାଇ ଭାବିନଥିଲି କି ଏତେ ସବୁ କିଛି କିଛି। ମୁଁ ଗଣେଶ ଭାଇକି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଁକୁ, ତ ଏତେ ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ଗାଁକୁ ଆସି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଗାଁକୁ ମୁଁ ନିଜ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଆସିବି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବି ଆସିଛି ଗାଁକୁ। ରାସ୍ତା ଜାଣିପାରିଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ? ରାସ୍ତା ଏମିତି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିଭଳି ଯାଆନ୍ତି? ଆମର ମ୍ୟାପ୍ ସାହାରା ନେଇ ତ ଲୋକକୁ ପଚାରୁଛୁ, ତା ଅପେକ୍ଷା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିଦେଉଛୁ କି ରାସ୍ତା କେଉଁଠୁ କେତିକି ହାଇୱେ ମାନେ କେତେ ଲଙ୍ଗ ଷ୍ଟେ, ଏତେ 130-120 କିଲୋମିଟର ଏ ଜାଗା ରାସ୍ତାଟା କେଉଁଠି କେତେ ଯାଉଛି ଥରେ ଦେଖିଦେଉଛୁ, ତାପରେ ତ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯଦି କ'ଣ ରାସ୍ତା ଅଲଗା ପଡ଼ୁଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଉଛୁ କି ରାସ୍ତାଟା କେଉଁଠି ଯାଉଛି, ତ ସେମାନେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତା ଏଇଠି ଯାଉଛୁ, ଆମେ ନିଜେ ଯାଉଛୁ। ଫାଇନାଲି ଗାଇସ ମେରି ସ୍ୱାଗତ ବି ହେଉ ଚୁକା ହେର ମେରି ବଡ଼ି ପାପା କେ ଘର ମେ ବି ଆ ଚୁକା ହୁଁ ମେନେ ଔର ଦେଖ ସକତେ ହୋ ହମ ଲୋକ। ତ ଭାଇ କେସା ଲଗା ହମାରେ ଗାଁ? ୟା ଭାଇ ଏକଦମ ମସ୍ତ ମଜା ଆ ଗଯା। ଔର ଏବେ ନା ଏକ କା ବୋଲତେ ଏକ ମର ଗଏ ଥେ ତ ବାରବି ଉନକି ଜୋ ଭୋଜି ହୋ ରହା ହୈ ତ ହମ ଲୋଗୋ ନେ ଖାନା ବି ଖାଇ। ହମାରେ ଏବେ ଖାନା କେସା ଲଗା ଭାଇ? ଏକଦମ ବଢିଆ ଖାନା ଥା ଭାଇ, ବଢିଆ ଖାନା ଥା ନା। ତ ଚଲୋ ଅଭି କାଲ ସୁବେ ନିକଲେଙ୍ଗେ, ଆଜ କେ ଲିଏ ତ ଇତନା ହି ହୈ, ମୁଝେ ତ ଥୋଡ଼ି ଥକାନ ବି ହୋ ରହା ହୈ, ନିଦ ବି ଆ ରହା ହୈ। ଚଲ ସୁବେ ମିଲତେ ହୈଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ, ହର ହର ମହାଦେବ।